दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एलडीसी भर्ती 2013 सेकंड ग्रेड भर्ती और जो लंबित भर्तियां हैं तमाम भर्तियों को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं एलडीसी भर्ती 2018 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब से मेरी बात हुई है और उसमें तमाम लंबित भर्तियों सहित जो कमरा किराया माफ करने की बात हो चाहे वो कोचिंग फीस को लेकर हो उन तमाम समस्याओं को लेकर मेरी आज बात हुई है, उससे भी इस वीडियो में आपको वाकिफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों जो एलडीसी भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमें खुशखबरी कब मिलेगी, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा दोस्तों धैर्य रखो, धैर्य का फल आपको मीठा मिलेगा क्योंकि आपका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर पांच तरीके से एक तरह से आपकी जो गाड़ी है बहुत स्पीडली चल रही है, आपका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। यानी कि लॉकडाउन के दौरान भी जो ग्रुप 3 प्रशासन सुधार विभाग का काम चला था, फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी आपका काम चला था और आज सबसे अच्छी बात है पहले विभाग आवंटन का निर्णय लिया गया था कि हम विभाग आवंटन करेंगे फिर बाद में प्रशासन सुधार विभाग द्वारा जिला आवंटन किया जाएगा, लेकिन सचिव साहब से मैंने निवेदन किया कि साहब इसमें भर्ती में देरी होगी, इंतजार होगा, हम चाहते हैं कि दोनों काम एक साथ हो क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि दोनों काम एक साथ हो। तो दोस्तों अब दोनों जो विभाग आवंटन और जिला आवंटन एक साथ हो रहे हैं और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति के आदेश कब होंगे, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब जिला आवंटन हो जाएगा वो जिले ही मिल जाएंगे, एक तरह से नियुक्ति के आदेश है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखें। आज थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, वो उनका प्रोसेस चल रहा है लेकिन किसी कारण बस आज नहीं हो पाए, तो कल का इंतजार कर लीजिए क्योंकि कई बार कई मिस्टेक होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि हाँ कि क्या सही तरीके से वो रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, सही तरीके से क्या वो जो मेरिट लिस्ट बना रहे हैं जो जिला आवंटन की हो चाहे विभाग की हो, तो वो एक बार खुद एक्सरसाइज करके देखते हैं तो कोई समस्या आती है, इस कारण से आपका थोड़े से देरी हो रही है। मेरे हिसाब से आज वो कोशिश करें लेकिन आज की संभावना कम है, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपका पहले आपका विभाग आवंटन होता, फिर आप जिला आवंटन का इंतजार करते, फिर नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश का इंतजार करते, दोस्तों सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो हम सबको इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि पूरे देश की हालत खराब है, आप लोगों का कार्य चल भी रहा है और आपको कुछ खबरी भी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, काफी लोग उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, हमने ये किया वो किया, सच्चाई आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पूरा श्रेय जाना चाहिए, वो लगातार आपकी भर्ती को लोगों ने मॉनिटरिंग किए, पहला रिजल्ट उनके सहयोग से आया, दूसरा आया, सब जगह उनका सहयोग रहा है, मैं लगातार सीएमओ में जाता रहा, विशेष सचिव और सचिव साहब से मिलता रहा और उनका पूरा सहयोग रहा जिसकी बदौलत आप मंजिल पे पूछने वाले हैं। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा धैर्य बनाए रखें, आज नहीं तो कल, कितना समय बचा है क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग का मौका दिया जाएगा और जिस प्रकार पशुधन सहायक में कहा था कि ये ज्वाइनिंग एसटीआई का मतलब ये है कि कोरोना महामारी के दौरान आप लोग जैसे मेडिकल है, जैसे पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र जो बनता है जिसमें देरी हो सकता है क्योंकि कई लोग फर्जी दस्तावेज लगाते हैं तो बाद में पता चले तो उनको हटाया जा सकता है, वो स्थायी नौकरी का वो दावा नहीं कर सकते, इसलिए जो नियुक्ति पत्र जारी होगा उसमें ये लिखा आ सकता है पशुधन सहायक भर्ती की जो ज्वाइनिंग उसके आधार पर कि आप लोगों की ये जो ज्वाइनिंग है अस्थायी है, इसलिए आप उससे घबराए नहीं है, अच्छी बात है क्योंकि पहले शिक्षक भर्ती की जब ज्वाइनिंग होती थी तो उन लोगों को मेडिकल के लिए और पुलिस वालों को हाँ कई जगह चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन आप लोगों को इतना चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपकी प्रक्रिया फास्ट होगी और जो हमने प्रयास किया था वो प्रयास सफल है। आप सबको धन्यवाद, अपने ट्विटर अभियान चलाया, जो ट्विटर वार जो अपने चलाया वो भी शानदार रहा, मीडिया ने हमें पूरा साथ दिया, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और जिसके बदौलत आप मंजिल पे पूछने वाले हो, आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग के आदेश होंगे, आप लोगों को ज्वाइनिंग करना, उसके बाद मैं आपसे इसे क्योंकि आपका काम होने के बाद हमारा एक बार फर्क बनता है कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे, जिस प्रकार सहयोग करना हम सहयोग भी करेंगे, वो धन्यवाद देके और किसी का भला और करवा दें क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों का जैसे इतना बड़ा काम हुआ 11,000 लोगों का, हालांकि काम होने के बाद आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि जिस प्रकार आप लोगों के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की और आपको उसके परिणाम मिला और मंजिल मिलने वाली, मैं चाहता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो तो आप सब एक बार फिर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करें, साथ में हम लोग जो हमारे भाई रह गए, हालांकि वो ज्वाइनिंग जो चयनित अभ्यर्थी है वो सोचते चयनित अभ्यर्थी ये सोचते होंगे कि यार वो स्वार्थी है, ज्वाइनिंग लेने चाह रहे हैं, 587 लोगों को भूल गए जो पद काटेंगे, हम नहीं भूले, मुझे याद है मेरा खुद की दिल में ये बात है कि जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत इस मामले में लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हम लोग अब आप सबका दायित्व है कि आप सब लोग जब भी मैं आपको आवाज दूं तो आप मेरे साथ आना, हम धन्यवाद देखें इन लोगों के लिए बातों रख देंगे, साहब आपने इतनी बड़ी भर्ती कर दी तो 587 पद बढ़ा दीजिए, लोगों को
किसको भला हो सकता है, तो वो बात भी हम सब मिलकर रखेंगे, क्योंकि आप ये ना सोचे कि आपको वो गलत बोले, क्योंकि मैंने देखा कई बार कई चिन्हित अभ्यर्थियों ने मेरे पास मैसेज स्क्रीनशॉट पर उन लोगों ने भेजे कि आप फेलियर हो, तो एक दूसरे की तरफ आप उधर से वो उधर से एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करें। हम सब लोग भाई हैं, एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे, उनको भी न्याय दिलाना है। और रही बैकलॉग वाली, बैकलॉग के अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल आए, जितना सपोर्ट होगा मैं उन लोगों को भी करूंगा। अब मैं बात करूं दोस्तों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब से मेरी बात हुई थी और सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की मैंने बात रखी साहब, उसका मंडल आवंटन जिला और उनकी ज्वाइनिंग होनी है उनकी मैंने बात रखी, क्योंकि लगातार उनके भी कॉल मैसेज आ रहे थे। मैंने कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो, महिला आंगनबाड़ी उनकी बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला आरएस 2018 की बात रखी, बोले कि लॉकडाउन हटेगा, कोर्ट खुलेगा, तो उसके बाद हम प्राथमिकता के साथ कोर्ट से इन भर्तियों को निकलवाएंगे। ये तो उन भर्तियों को लेकर राजस्थान पुलिस 2018 की जो 1600 ज्यादा पद खाली है उनकी मैंने बात रखी है, नर्सिंग भर्ती 2013 हो, मैंने तमाम भर्तियों की बात उनके सामने रखी है, मीडिया में भी रखी है, जल्द ही मीडिया में तमाम लंबित भर्तियां जो 2018 की है उनकी भी बड़ी खबर आएगी, वो मीडिया में मैंने बात रखी है। इसके अलावा सीएम सचिव साहब के भी सामने मैंने तमाम भर्तियों की बात रखी है जो लंबित है, जिनका नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है उनकी बात रखी है, जिनका परिणाम आना है उनकी बात रखी है, जिनकी परीक्षा होनी है, क्योंकि दोस्तों जब सामान्य स्थिति होगी, बीएल जाटाऊ जी से मेरी बात हुई थी, आरपीएससी से मेरी बात नहीं हुई, हालांकि सचिव साहब से बात हुई तो वो बात करेंगे कि एक बार ये कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद सामान्य स्थिति के बाद जो जिनकी भर्तियां होनी है वो भर्तियां भी हो। और रीढ़ शिक्षक भर्ती की बात यही कि लोग तैयारी करते रहे, यदि सामान्य स्थिति होगी तो 2 सितंबर को एग्जाम होगी, ये मान लीजिए कोरोना महामारी नहीं मिटी, सामान्य स्थिति नहीं हुई तो वो भी आगे जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि कोरोना धीरे धीरे मेरे को लगता है कि बढ़ भी रहा है और अभी बता नहीं सकता समाप्त कब होगा, लेकिन फिर भी रीट के अभ्यर्थियों को घर बैठे तैयारी करनी चाहिए। 2013 एलडीसी भर्ती के मामले में भी जो 333 पद है उनके मामले में भी सचिव साहब ने कहा कि जल्द ही उन लोगों का प्रोसेस शुरू होगा, उन लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उन लोगों की कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे थे। इसके अलावा 587 वालों को फिर एक बार कह दूं, मुझे पता है कि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि आप स्वार्थी हो, चिंतित अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं मेरा फर्ज निभा रहा हूं, इनसे मैंने वादा किया था कि आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाकर भी दम लूंगा, इन लोगों को वादा किया था कि फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, इन लोगों को वादा किया था मार्च अप्रैल में इनकी ज्वाइनिंग होगी, ये तो कोरोना महामारी की वजह से इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, नहीं तो अब तक इनकी ज्वाइनिंग हो सकती थी, लेकिन अब इनकी ज्वाइनिंग हो रही फास्ट प्रक्रिया में। अन्य राज्यों में देखोगे कि सारी भर्तियां लंबित कर दी गई है, कोई भी काम नहीं चल रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने 11,000 लोगों को ज्वाइनिंग देने का निर्णय लिया है और भी भर्तियां हैं। और सचिव साहब ने एक बात और की कि लंबित भर्तियों की हमने डिटेल बनाई है, कल भी मीटिंग है, कल भी सीएमआर में इस संबंध में मीटिंग है लंबित भर्तियों को लेकर, सीएम सचिव साहब कह रहे हैं कि अधिकारी हम सब मिलकर एक बार मीटिंग ले रहे कितनी भर्तियां लंबित है, तो दोस्तों अधिकतर जितनी लंबित भर्तियां उनकी सारी डिटेल मैंने उनको सौंप दिया, मीटिंग लेंगे अब जो भी होगा, क्योंकि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जहां मेरा फर्ज था आप लोगों की आवाज उठाना मैंने उठाई है, चाहे मेडिकल की जो प्रयोगशाला सही भर्ती है, चाहे अपने शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती है जिसका जिला आवंटन होना बाकी है, नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, लेकिन कोर्ट में एसटीएफ का प्रकरण है जो कृषि परीक्षक के साथ है, उन्होंने कहा कि जैसे कोर्ट से स्टे हटेगा इन भर्तियों को हम प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे, लेकिन मेडिकल विभाग की जो 2018 की जो प्रयोगशाला सहायक उसमें कोई स्टे नहीं है, वो भी मैंने बात रखी है कि साहब वो कोरोना में बहुत अच्छी काम कर रहे, संविदा पे लगे हुए काफी अभ्यर्थी है, तो उनकी मैंने मजबूती से बात रखी है। दोस्तों 2016 की भी जो रीट है, 2017 है, 2018 उनकी एक और सूची जा रही है, उनकी भी मैंने बात रखी है, तमाम मैंने बातें रखी है, अब निर्णय उन लोगों को लेना। लेकिन दोस्तों ये बात है कि जिस प्रकार पहले के बात थी, जब मजबूती से जो हम कहते थे कि हाँ हम लोग संघर्ष करते थे, आंदोलन करते, वो स्थिति है नहीं, आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, हम न धरना दे सकते न प्रदर्शन कर सकते, हमारी बात मजबूती से बात करके उनके सामने रख रहे हैं। हमने जो एक अभियान चलाया ट्विटर पे कि बेरोजगारों का किराया माफ किया जाए, कमरा किराया माफ किया, आप सोचिए कोरोना जब महामारी के दौरान जब सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगाया गया, तो किसी भी बेरोजगार को पता नहीं था कि इतना समय लगेगा, उनको पता होता तो वो कमरा खाली करके जाते, आज ये नौबत नहीं आती कि मकान मालिक उनसे किराया मांगे, उनकी मजबूरी थी उनको जाना पड़ा, उनको निर्देशों की पालना करनी थी, आज मकान मालिक कह रहे कि किराया लगेगा। दूसरी तरफ वो कोचिंग वाले जिन्होंने फीस तो ले ली, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि लॉकडाउन के बाद हम आपको कोचिंग करवाएंगे, ये नहीं कहा आपको फीस देंगे, तो दो विकेट परिस्थिति बेरोजगार के सामने। इस संबंध में भी मैंने अवगत कराया, मीडिया ने भी कोऑपरेट किया, मैं प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी आवाज उठाई है, और सबसे अच्छी बात है उन तमाम बेरोजगारों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 60,000 से ज्यादा ट्वीट करके राजस्थान में जो जयपुर में पहले नंबर पर हमारा मामला ट्रेंड रहा, और जिसके बदौलत सचिव साहब ने कह दिया
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला आ गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि जो मकान किराया मामला और कोचिंग वाला मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया और सचिव साहब ने खुद ने उनको पूरी जो डिटेल दी है, क्योंकि जो अखबार में वो कटिंग मैंने व्हाट्सअप कर दिया था, उनको बताया भी था, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात प्रेषित कर दी है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी के सामने जो कमरा किराया माफ वाली बात है, कोचिंग वाली, वो भी आ गई, लंबित भर्ती को लेकर के आ गई। एलडीसी वाले को ये कहना चाहूंगा, इंतजार करिए, आपने इतना इंतजार किया है, बस एक दिन इंतजार आप लोग और कर सकते हो और आपके सपने जल्द साकार होंगे, ज्वाइनिंग मिलेंगी, आपकी खुशियां भी आएंगी। मैंने जो आपसे वादा किया, सीना ठोक के कहा था फरवरी रिजल्ट आएगा, आया, सीना ठोक के कहा था कि आपका जो वादा किया वो पूरा करूंगा, वो वादा पूरा होने वाला है। हालांकि काफी कॉपी पेस्ट वाले इंतजार करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग जानिए जब आपके दस्तावेज सत्यापन 1.5 महीने तक नहीं होते, वो लोग कहां गायब थे, कहीं भी नहीं दिख रहे। जब जब आप ऊपर संकट आया, मैं आपके साथ था और आपकी भर्ती को यहाँ तक बचा के लाया और अंतिम स्टेज पे पूछा है आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, 587 का भी साथ दूंगा। इसके अलावा रीट वाले भी कई मामले तमाम, क्योंकि एक बार कोरोना महामारी होने खत्म होने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तमाम इश्यू को लेकर। लेकिन आज की अपडेट ये है कि कल लंबित भर्तियों को लेकर सचिव साहब मीटिंग ले रहे हैं, अधिकारी और भी शामिल होंगे। इसके अलावा एलडीसी भर्ती की प्रोसेस अंतिम स्टेज पे है, उनके जिला आवंटन के साथ द्वितीय आदेश भी होंगे और समय भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एलडीसी भर्ती 2013 के भी प्रोसेस चालू है और तमाम और भी सेकंड ग्रेड वाली भी बात उनको अवगत कराई है। 2018 वाले के लगातार मैसेज आ रहे थे और भी है, जो तमाम भर्तियां चाहे एड्रेस बोर्ड की हो और चाहे आरपीएससी की, तमाम भर्तियों को लेकर मैंने अवगत कराया है। और जो नई भर्तियों में देरी हो सकती है, मेरी प्राथमिकता है जो लंबित भर्तियां वो तो कम से कम समय पे पूरी हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले। मैंने मेरे तरफ से फर्ज निभाया, आपकी पीड़ा मैंने सीएम साहब तक पूछाई है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को उसमें न्याय मिलेगा और जहां भी आवश्यकता होगी मैं आपकी बात सीएम साहब तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों से ये कहूंगा इस वीडियो को प्रत्येक अभ्यर्थी तक भेजे, जिससे उनको पता चले कि अभी भी हमारा काम राजस्थान सरकार कर रही है, संवेदनशील है और अधिकारी कर रहे हैं, चिंतित है, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान इसलिए है कि कहीं ना कहीं अधिकारी राज्य की तरह हमारी भर्तियों को लंबित न कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।